नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबरें अब तक में, खबरें अब तक में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश में दिन पर दिन हिंसा बढ़ती जा रही है और आगे आपको बताएंगे कैसे उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा होने वाली है। साथ ही चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की, जो एक बार फिर अपनी हरकतों से सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों पे। अगस्त में 3% से बढ़कर सितंबर में तकरीबन 5% से ज्यादा हुई खुदरा महंगाई दर। मुंबई में ओवरटेक करने को लेकर दो वाहन चालकों के बीच हुआ विवाद, एक शख्स की हुई मौत। राउस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रवीण लोढ़कर को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। उमर अब्दुल्ला से बोले अरविंद केजरीवाल, आधा राज्य चलाने में दिक्कत हो तो मुझसे सलाह ले लेना। बहराइच हिंसा पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, योगी सरकार पर खड़े किए सवाल। बुलडोजर एक्शन में नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, का मामला पहले ही बंद हो चुका है। लैंड जिहाद के बाद अब थूक जिहाद, पुष्कर सिंह धामी बोले उत्तराखंड में ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर जमीयत उलेमा हिंद प्रतिनिधिमंडल ने जेपीसी के साथ की बैठक, पेश की अपनी सिफारिशें। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान पर बंद, सेंसेक्स 591 अंक उछला, निफ्टी 183 के पार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं उस मुद्दे के बारे में जो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिला प्रशासन की ओर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए किया गया सारा तामझाम कल शाम गोलीबारी पथराव के बाद धराशायी हो गया। गोलीबारी में विसर्जन जुलूस में शामिल एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद जिले में भयंकर बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़, बागजनी के बाद आरोपियों के घर में भी आग लगा दी। आपको बता दें कि यूपी ही नहीं, देश के 6 राज्यों के अलग अलग शहर इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं दुर्गा पूजन के दौरान विसर्जन जुलूस में पथराव की हैं। सबसे पहले यूपी की बात करें तो गोंडा में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए जाते समय 2 पक्षों में पथराव होने के बाद विवाद हो गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं झारखंड के गढ़वा जिले के लखना इलाके में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर पथराव और हिंसा हुई। वहां उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी जख्मी हो गए। साथ ही पश्चिम बंगाल के हावड़ा से लेकर नादिया तक, दुर्गा पूजा के पांडाल से लेकर मूर्ति विसर्जन तक विवाद हुआ और हावड़ा में तो आगजनी और पुलिस पर पथराव भी हुआ। वहीं आंध्र प्रदेश के कुरनूल में विजयादशमी के मौके पर हिंसक झड़प हुई। यहां दशहरे के मौके पर हर साल होने वाले बन्नी उत्सव के दौरान हुई झड़प, 70 लोग घायल हो गए, इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में भी एक मंदिर के अंदर घुसकर मूर्ति तोड़ने की घटना सामने आई है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। जहां मुथिया लम्मा मंदिर के अंदर की मूर्ति में तोड़फोड़ के बाद श्रद्धालु आक्रोशित हो गए। ये वो सारी घटनाएं हैं जो मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन दावा करता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम पुख्ता है, लेकिन ये सारी घटनाएं और हिंसा प्रशासन के दावों की पोल खोलती साफ नजर आती हैं। खैर, आपको अब ले चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। भले ही तारीखों का ऐलान अभी ना हुआ हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल अभी से जी जान में जुट गए हैं। सपा से लेकर बीजेपी तक सभी पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं मुंबई में हुई एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या भी इस उपचुनाव में मुद्दा बन सकती है, क्योंकि यूपी के करीब 19% मुस्लिम आबादी है और महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। इस वजह से सपा और कांग्रेस कानून व्यवस्था को मुद्दा बना सकते हैं। हत्याकांड से उपजी सहानुभूति विपक्ष को फायदा पहुंचा सकती है। इससे साफ है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है।
में यूपी उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे पहला नाम करहल सीट है जो कि सपा की परंपरागत सीट और इस सीट पर 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं। इसके साथ ही कुंदरकी सीट पर 60% और सीसामऊ सीट पर 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं मिल्कीपुर सीट पर दलित और यादव करीब 2 लाख हैं। वहीं फूलपुर सीट पर करीब 1.5 लाख दलित और यादव हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें बीजेपी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए हर सीट से 3 नामों पर चर्चा है और मीरापुर सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी RLD कैंडिडेट उतार सकती है। वहीं बीजेपी की दूसरी सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी कटहरी और मंझवा सीट चाहती है। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। रावण दहन के दौरान पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ से तीर धनुष क्या गिरा, इसे लेकर विपक्षी दलों ने सियासत शुरू कर दी। सांकेतिक रूप से रावण दहन को लेकर नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया तीर तो निशाने पर नहीं पहुंचा, लेकिन उनके हाथ से गिरा तीर धनुष कैमरे में कैद हो गया। RJD ने इस घटना को तूल देते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है कि नीतीश कुमार अब तीर जो JDU का चुनाव चिन्ह है उससे हाथ धोना चाह रहे हैं और अपनी पार्टी को BJP के साथ विलय करना चाहते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के व्यवहार और उनकी गतिविधियों को लेकर पिछले कुछ दिनों से सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष इस मामले को पुरजोर तरीके से भी उठा रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश बाबू यूं निशाने पर आए हों। अपनी हरकतों से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। दरअसल बिहार में नीतीश की बढ़ती उम्र और अस्वस्थता को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी चलती रहती है। तेजस्वी यादव और नवोदित प्रशांत किशोर ये सवाल पहले से ही उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद JDU का वारिस कौन होगा। तेजस्वी जहां उनकी बढ़ती उम्र को लेकर कह चुके हैं, वहीं प्रशांत किशोर अंदेशा जता रहे हैं कि JDU पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दरअसल इसके पीछे वजह नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और JDU में दूसरे नंबर की लीडरशिप का अभाव है। RCP सिंह और प्रशांत किशोर के रूप में एक समय में ये कहा जाने लगा था कि ये पार्टी का भविष्य हो सकते हैं, लेकिन इनके रास्ते JDU से अलग हो गए। लिहाजा नीतीश के हाथ से तीर धनुष का फिसलना भी सांकेतिक रूप से इन्हीं बातों से जोड़कर देखा जा रहा है और नीतीश एवं JDU को घेरने के लिए विरोधियों को एक मौका मिल गया है। कहा जाता है यूपी में भाजपा की सरकार है और खासकर योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुखिया हैं, तो अपराध तो कोसों दूर होगा। प्रदेश में पहले के मुकाबले अपराध और अपराधियों में गिरावट आई होगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार के राज्य में अपराधों और अपराधियों पर लगाम लगी होगी। लेकिन आपको बता दें कि NCRB के जारी आंकड़े सरकार के दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अपराध के मामले में यूपी ने बिहार और महाराष्ट्र को भी पीछे नहीं छोड़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस साल महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई हैं, जो पिछले 2 सालों की तुलना में सबसे अधिक हैं। आंकड़ों के अनुसार यूपी में साल 2020 में 49,385 महिला अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं आंकड़ा साल 2021 में बढ़कर 56,083 हो गया, तो वहीं साल 2022 के आंकड़ों में और जोरदार इजाफा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में 65,743 घटनाएं हुई। ऐसे में सरकार से सवाल है कि क्या इन अपराधों में यूं ही बढ़ोतरी होती रहेगी या इस पर लगाम पर कोई पहल की जाएगी। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।